जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना स्पष्ट करने जा रहा हूँ वो अष्ट किन्नरी साधना है। और अष्ट किन्नरी साधना करने के लिए विशेष प्रकार से आप नवरात्रि में कर सकते हैं, या फिर किसी भी, जैसे कि शुक्ल त्रयोदशी होती है, या फिर किसी भी शुक्रवार को। इस साधना को आप कभी भी विशिष्ट शुभ अवसर पर आप कर सकते हैं, ठीक है। ये साधना एक विशेष साधना है। होता क्या है कि अब मैं आपको थोड़ा सा किन्नरियों के बारे में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये वास्तविकता में ये हैं कौन। देखो, आपने देखा होगा कि जो किन्नरी होती हैं, जैसे कि अप्सरा सिद्धि हो गई या फिर यक्षिणी की सिद्धि हो गई, यक्षिणी और अप्सरा ऐसे ही किन्नरियाँ होती हैं। और किन्नरी का अर्थ होता है लक्ष्मी, अप्सरा सिद्धि प्रदाता, यानी कि किन्नरी में लक्ष्मी की शक्ति है और किन्नरी में अप्सरा का रूप है। सौंदर्य यौवन आनंद है और किन्नरी में सिद्धि या फिर वर देने की भी शक्ति होती है और श्राप देने की भी शक्ति होती है। मतलब कि अगर ये आपको वर देंगी तो वो अगर आपके भाग्य में नहीं भी है तो भी वो चीज़ आपके भाग्य में पैदा होगी ही होगी, इतनी इनमें वर देने की शक्ति होती है। और जो किन्नरी होती हैं ये मुख्य रूप से मनुष्य और देवताओं के बीच की श्रेणी होती है। मतलब कि ये बीच की कड़ी होती है, ये ना तो मनुष्यों में गिनी जाती हैं और ना ही ये देवताओं में गिनी जाती हैं, ठीक है। इसी वजह से ये मनुष्य के लिए, मतलब कि हम लोगों के लिए, ये सहज और सरलता से प्रसन्न हो जाती हैं। इनकी साधना वास्तविकता में बहुत सरल है। और अगर ये अपने किसी साधक पर प्रसन्न हो जाती हैं तो ये सब कुछ नौछावर कर देती हैं, बशर्ते कि आपका एक समर्पण का भाव हो। जितना समर्पण का भाव आपका होगा उतना ही ये आपके लिए अपना सब कुछ नौछावर कर देती हैं, सब कुछ ये साधक को प्रदान करती हैं। अब समस्या इस बात की है कि आपका भाव है या नहीं है। आप साधना तो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका भाव पूर्ण रूप से नहीं है, अब भाव ऐसे नहीं है कि हम साधना कर रहे हैं, मन बना रहे हैं, जबरदस्ती मन को बना रहे हैं, ये भाव नहीं होता। भाव वो होता है जो अंदर से, अंतरात्मा से निकलता है, वो भाव होता है और वो उसी भाव को पहचानती है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो किन्नरियां होती हैं, ये साधना जो है एक अद्भुत और आश्चर्यजनक है। ये साधना 8 प्रकार की किन्नरियां होती हैं और इन सब का जो है कोई ना कोई साधक के जीवन में सौभाग्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान होता है और एक दूसरे का स्वरूप एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है इनका। अब ये 8 किन्नरी कौन कौन सी हैं? सौभाग्य किन्नरी, अटूट लक्ष्मी किन्नरी और आकस्मिक धन प्राप्ति किन्नरी, सौंदर्य प्रदाता यानी कि सौंदर्य को देने वाली किन्नरी, सुगंधोत्सरा अप्सरा किन्नरी और सिद्धिदायक किन्नरी, यौवनोत्सुक यानी कि यौवन से परिपूर्ण किन्नरी, ये रूप हैं किन्नरी के। और विशिष्ट दिन पर अगर तुम इनकी साधना करते हो तो ये बहुत ही अत्यंत सरल है ये साधना करनी, ठीक है। और इस साधना का दिन अगर आप निश्चित करें तो आप या तो किसी शुक्रवार को निश्चित करें, या फिर जैसे कोई शुभ दिन आता है जैसे नवरात्रि हो गई तब निश्चित करें, तब आप इस साधना को कर सकते हैं। अच्छा, इस साधना में मुख्य रूप से आपको किन सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी? इसमें केवल आपको 3 सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। अष्ट किन्नरी यंत्र की जरूरत पड़ेगी, किन्नरी माला और एक रक्षा माला की जरूरत पड़ेगी। और इसमें ये 3 चीज़ें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए।
अगर ये चीजें, ये जो सामग्री है आपको अगर चाहिए तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वीडियो में भी दिया है, और आपके यूट्यूब के जो मेरी वीडियो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है। अगर आप चाहें तो वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और आप वो सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको मैं बता देता हूं कि इनसे आपको क्या क्या शुल्ब जो मतलब सब कुछ मतलब प्राप्त होता है वो क्या क्या प्राप्त हो सकता है। देखो, रूप, यौवन, धन जो कि स्थायी हो या अकस्मात प्राप्त होने वाला हो, कैसे भी हो सकता है, ये अपने साधक की इच्छा की पूर्ति तो करती ही करती है। ठीक है, जीवन में वो किसी भी प्रकार की समस्याओं उसके सामने नहीं आती जिन पर ये अपना प्रेम उड़ेल देती है। अब इसमें आपको किसी भी शुक्रवार से ये आप साधना शुरू करेंगे। अब आपको करना क्या है, मैं आपको साधना बता देता हूं कि आपको रात्रि के 10 बजे के बाद आपको ये साधना शुरू करनी है। स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करने हैं, ठीक है, और जो आप सामने अपने अपना गुरु चित्र, जो भी आपके गुरु हैं, अगर गुरु नहीं है, भगवान शिव को गुरु माना है, तो फिर भगवान शिव और गणेश जी का चित्र, और साथ में किन्नरी का चित्र भी रख सकते हैं अगर उपलब्ध है तो, कोई भी आप नेट से लेकर के निकलवा सकते हैं किसी भी चित्र को। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु पूजन करने के बाद आपको मतलब कि गुरु मंत्र का जाप आपको जरूर करना है, एक माला या दो माला का। नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ, सरल साधना है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा विधि विधान करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मंत्र जाप मायने रखता है, आपका भाव मायने रखता है, और कोई ज़्यादा चीज़ मायने नहीं रखती है। तो ये गुरु पूजन करने के बाद आप गुरु मंत्र का जाप करेंगे, और उसके बाद में आपको भगवान गणेश जी के मंत्र का आपको एक माला मंत्र का आपको जाप करना है, जैसे कि वक्रतुंडाय हूँ, इस तरीके से कोई भी मंत्र हो उसका आपको एक माला का जाप आपको करना है। उसके बाद एक माला आपको भगवान भैरव जी के मंत्र की करनी है, जैसे कि मैंने एक वीडियो दी हुई है बटुक भैरव साधना की, उस वीडियो में मैंने मंत्र दिया है, ओम ह्रीम बटकाय आप दुर्धारणाय कुरकुरु बटकाय ह्रीम ओम। इस मंत्र का आप एक माला का जाप कर लें और भगवान भैरव जी से प्रार्थना करें कि साधना में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, मेरी साधना को संपूर्ण विघ्न बिना विघ्न के आप संपूर्ण कराएं। ठीक है, अब उसके बाद आपको करना क्या है कि सामने जो आपने चौकी लगाई है उस चौकी पर गुलाब के पुष्प और उसकी पत्तियों को बिखेर दें, और उस पर अष्टकिन्नरी जो यंत्र है उसको स्थापित करना है, और प्रत्येक किन्नरी का नाम लेकर के उसका आवाहन आपको करना है। ठीक है, अब मैंने 8 किन्नरियां मैंने आपको बताई हैं पहले ही, वो लिख लेना, सौभाग्य किन्नरी, अटूट लक्ष्मी किन्नरी, आकस्मिक धन प्राप्त प्रदायक किन्नरी, और सौंदर्य प्रदाता किन्नरी, सुगंधोत्सरा अप्सरा किन्नरी, सिद्धि प्रदायक किन्नरी, यौवनोत्सुक किन्नरी, ठीक है, और रूप किन्नरी, ये 8 प्रकार की किन्नरियां हैं, और इनका नाम लेकर के आपको आवाहन करना है इनका। और प्रत्येक के आवाहन के समय आपको एक दीपक जला देना है, ठीक है, और उनके आगे एक एक सुगंधित पुष्प रखना है आपको, गुलाब का पुष्प। इस प्रकार से जो यंत्र है आपका, ये यंत्र के चारों तरफ रखने हैं आपको, बीच में यंत्र रहेगा और चारों तरफ 8 दीपक होंगे तेल के। ठीक है, 8 दीपक होंगे तेल के, होने चाहिए वो भी, और 8 ही पुष्प उनके सामने आपको रखने हैं। जब ये आपका कार्य हो जाए और वो दीपक जो है तेज गति से जलने लगे, अब इसमें आपको कोई संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है, ये साधना अलग टाइप की साधना है। फिर आपको जो मैं आपको मंत्र बताने वाला हूं, उस मंत्र की आपको 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है एक रात्रि के अंदर ही अंदर। ठीक है, और
दीपक में इतना तेल जरूर हो प्रत्येक दीपक में कि वो पूरे जाप काल के दौरान जलता रहना चाहिए, वो न तो धीमा हो और न ही वो बुझने पाए, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इतना तेल उनमें पहले ही आपको भर के रखना है। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ कि मंत्र कौन सा है जो आपको जपना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रौम ग्लौम किन्नर्याय ग्लौम ह्रौम फट, ये मंत्र है और इसका आपको किन्नरी माला से आपको जाप करना है। 21 माला मंत्र आपको लगातार जाप करना है। अगर उस बीच में जैसे जैसे आपका जाप जो है पूर्णता की तरफ आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा तो वैसे ही कमरे के अंदर एक विशेष प्रकार की सुगंध छा जाएगी और वो सुगंध आपको ऐसा होगी कि आपको बेहोश सा करने वाली सुगंध होगी। लेकिन इस अवसर पर विशेष सचेत रहते हुए आपको प्रसन्न मुद्रा में आपको जाप करते रहना है, आपको सचेत रहते हुए करना है ये सारा कार्य। ठीक है, ऐसा ना कि आप लेट जाए फिर सुगंध में ही। तो लेकिन जब आपके सामने छाया रूप में या धुएं स्वरूप कोई आकृति स्पष्ट हो तो उस समय आपको अपनी मनोकामना व्यक्त करनी है। आपको जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को आपको बोलना है और वो जो तीव्र प्रकाश आपको दिखाई दे तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब जो आप कर रहे हो जो प्रयोग कर रहे हो उसमें सिद्धि के स्पष्ट संकेत होते हैं, ये कि आपको सिद्धि प्राप्त हुई है। ठीक है, तो साधना की जैसे जैसे आप पूर्णता के पश्चात जो जैसे कि आपने ये साधना पूर्ण कर ली, ये एक दिन की साधना है, तो आने वाले अगले सोमवार को कि ये प्रयोग आप संपन्न करें। ठीक है, साधना की पूर्णता के पश्चात, और उस समय आपको केवल मंत्र जाप ही आपको करना है। यदि आप प्रत्येक रात्रि में 21 बार इस किन्नरी मंत्र का आप उच्चारण करते हैं तब भी आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, एक दिन की साधना करने के बाद ही। और देखो ये जो साधना है इसके इतना करने के बाद आपको जो यंत्र है इसमें, ये यंत्र ताबीज के आकार का होगा। ठीक है, और इस यंत्र को मतलब कि उसके जब आप साधना कर लेंगे ना, एक दिन की साधना आपकी पूरी हो जाएगी तो फिर इस यंत्र को आपको धारण करना है। ठीक है, और सुबह के टाइम उतार करके आपको रख देना है। इस प्रकार से आपको लगातार 11 दिन तक ये करना है। ठीक है, लगातार 11 दिन तक इस ताबीज रूपी यंत्र को आप धारण करेंगे रात में और 21 बार मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद इस सुबह इस यंत्र को उतार करके रख देंगे। इसके बाद जब ऐसा कर लेंगे तो आपको प्रत्येक सोमवार को करना है। फिर ये प्रत्येक सोमवार को, और इसको आप जितना ज्यादा करते रहेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी सिद्धि आगे बढ़ती रहेगी। जितना ज्यादा आप इस प्रयोग को करेंगे उतनी ज्यादा सिद्धि आपकी बढ़ती रहेगी और ये आठों किन्नरियां पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएंगी। आपको लगेगा कि कहीं पर आप जैसे जा रहे हैं तो वहां पर भी आपको दर्शन हो सकते हैं, दिन में भी आपको किसी रूप में दर्शन हो सकते हैं, कोई लड़की आपको बुला रही है या फिर कोई लड़की आपको आपकी तरफ आकर्षित है, तो ये सब क्रियाएं वो किन्नरी करती है। ऐसे ऐसे आपको अनुभव आपके सामने आएंगे और ये सब आपके जीवन में आगे आएंगे क्योंकि आपने वो साधना की है और उस साधना का प्रभाव आगे आने वाले टाइम में आपको दिखाई दे जाएगा। तो इसलिए ये जो साधना मैंने आपको बताई है ये साधना केवल एक दिन की साधना है और उसके बाद आपको कुछ दिन लगातार आपको जाप करना है बस। तो इस तरीके से आप इस साधना को पूर्णता दें और अगर साधना ये आपको पसंद आई है मैंने जो आपको बताई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।